सचिन है भैया, तुम भी शाने के मैं भी शाने का। हाँ जी। आज जो है मैं संदूक में से ये फाइल लिख ली एक। क्या है? इसमें मेरी मार्कशीट है, ये मेरी 10वीं की है। देख के पुरानी याद ताजा हो गई है ना। बताओ कितने नंबर है मेरे गणित में? 90 नंबर है। कैसे नंबर है? 2010 में पास करी मैंने। जॉके के हिसाब से बहुत ज्यादा है। तब के हिसाब के 90 है और आज के हिसाब के 100 में से 150 बराबर है ना, कम से कम। ये देखो मेरी 12वीं की है। 12वीं गणित में कितने नंबर है मेरे? 91। दो पेपर होते थे, पहले में 41 है, दूसरे में 50 है। 50 और 50 है। मेरी डिग्री है बीटेक की। बीटेक की डिग्री में 5000 में से टोटल 3470 नंबर है। कितने मेरे? 3470। 5000 में से 68% 68% रहेगी भाई। 2% कम रहेगी 70 में। कोई बात नहीं। लेकिन शुरू के 3 सेमेस्टर ही मैं था था। सोचिए कि 3 सेमेस्टर में फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में 100-100 नंबर थे मेरे तीनों बार मैथ में। जब मैंने एसएससी का पहली बार पेपर दिया था ना 2016 में, फर्स्ट टाइम 2016 में ग्रेजुएट हुआ था, तो मेरे मैथ में 200 में से 195 नंबर थे बिना किसी कोचिंग के। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने दूसरी बार पेपर दिया तो बहुत हार्ड पेपर था 2017 का। सारे पेपर टफ आए थे 2017 के। उसमें टफेस्ट शिफ्ट में मेरा 185 स्कोर था। पर उसके बाद ना मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया, ना मैं टाइपिंग टेस्ट देने गया। वो टाइपिंग तो मुझे आज तक आती नहीं, पर वो सब चीज़ बहुत पीछे छूट गई। अब इस डिग्री को बताओ क्या करें हम। इस डिग्री का ये जो हमको मिली है डिग्री, इसे तेल छिड़क के आग लगा मैं कैसे संभाल कर रखे मेरे पोता पोती दिखाने को? संभाल कर रखी जाएगी। अचीवमेंट है जी, पर मेरे किसी काम की तो है नहीं। अब कोई नहीं, काम की तो है। तब से आज तक इतना चेंज आ गया लाइफ।